टुडे विल स्टार्ट न्यू टॉपिक कूलम्स लॉ। सो फोर्सेस आर क्लासिफाइड एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कह रहे फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशनल फोर्सेस। ये सारी फोर्सेस कौन सी हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है स्टूडेंट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एंड ये कौन सी है? यहाँ पे हमने कौन सी फोर्स स्टडी करनी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल ये आपके टू अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, एंड दीज अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड विद ईच अदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स चार्जेस आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे, ठीक है स्टूडेंट। और आपस में या तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है स्टूडेंट। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी है आपकी? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जस्ट लाइक मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चार्जेस चाहे दूर दूर हैं इनके बीच में, फिर भी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। सो डैट्स वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम गेव ए लॉ ऑन दीज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। इन्होंने हमें क्या दिया था? एक लॉ दिया था जिसको क्या बोल दिया हमने? कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स। इस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को क्या नाम दिया हमने? कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स। Now, Coulomb's law of force, it states that the force of attraction or repulsion between two point electric charges at rest is directly proportional to product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them and acts along the line joining the two charges. मतलब दो चार्जेस के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू चार्जेस हैं क्यू वन एंड क्यू टू। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। फॉर एग्जाम्पल ये आपके टू चार्जेज हैं क्यू वन एंड क्यू टू, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। एंड जो फोर्स एक्ट हो रही है स्टूडेंट ध्यान से देखो, That acts along the line joining the two charges. उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? Along the line joining the two charges. और ये कौन सी फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है स्टूडेंट। और ये लॉ कौन सा है? कूलम्स लॉ। फॉर एग्जाम्पल टू चार्जेस Q1, Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इन दोनों को क्लब कर दीजिए, क्या आ गया? F is directly proportional to Q1, Q2 over R square and K is a proportionality constant. ठीक है student? So यहाँ पे K क्या होगा? 1 over 4 pi epsilon naught. इसको क्या बोलते हैं? Epsilon और ये क्या है? Naught. Epsilon. Student ये medium के ऊपर depend करेगा, इसको बोलते हैं permittivity. कि ये जो आपका medium है in between charges के बीच में कोई ना कोई medium होगा, air होगी, alcohol हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इनके बीच में दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है क्या वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को परमिट भी करने दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये कांस्टेंट उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन थी क्या ये मीडियम फोर्स को परमिट करने दे रहा है कि नहीं दे रहा? अगर दे रहा है तो कितना दे रहा है? कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, क्या कर रहा है? उसको बोलते हैं परमिटिविटी, क्या बोलते हैं? और यहां पे इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और अगर नॉट आ जाए, एप्सिलॉन नॉट आ जाए, तो मतलब ये परमिटिविटी किसकी है? एयर और वैक्यूम की, ठीक है स्टूडेंट। सो
सो क्या आ गया फार्मूला, के की वैल्यू पुट कर दी हमने, क्या पुट कर दी, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया कूलम लॉ ऑफ फोर्स का, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपने फॉर्मूला याद भी करना है, एप्सिलॉन नॉट मैंने अभी क्या कहा था, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एयर और फ्री स्पेस की, ठीक है स्टूडेंट। सो एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू आ गई, ये आप ऊपर ले जाओ और ये एफ आपका क्या आ जाएगा नीचे, तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट आ गया 1 ओवर एफ 4 पाई क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। कह रहा है वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, इस कांस्टेंट की कितनी वैल्यू है, 8.85 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 12। अब स्टूडेंट हमने क्या देखने, यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट ये एग्जाम में भी आ जाते हैं आपके, ये क्या है चार्ज के यूनिट क्या है, कूलम, इसके कूलम, कूलम ऊपर क्या आ गया स्टूडेंट, कूलम स्क्वायर। फोर्स के क्या यूनिट है, न्यूटन, न्यूटन आ गया, 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर के क्या होंगे, आर के क्या है मीटर, मीटर स्क्वायर। सो क्या आ गए यूनिट्स, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो क्या यूनिट्स आ गए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। सो वैल्यू आपने याद करनी है, यूनिट्स मैंने आपको बता दिए हैं कैसे आपने निकालने हैं, ठीक है स्टूडेंट। और वैल्यू ऑफ 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू आएगी, अगर हम यहां पे इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आफ्टर सॉल्व हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 इंटू 10 इज टू पावर 9। इसको जब हम यहां पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे 1 ओवर 4 पाई के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 इज टू पावर 9। तो यूनिट्स इसके रिवर्स कर दीजिए क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे आ गया है तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, क्या वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 इज टू पावर 9, ठीक है स्टूडेंट, इन एसआई यूनिट्स। सो फोर्स रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर लॉ ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स, अब हमने क्या स्टडी करना है, वेक्टर फॉर्म, क्या स्टडी करनी है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल चार्जेस क्यू वन क्यू टू सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर, अब इस क्यू वन के ऊपर फोर्स लगी, किसने लगाई, क्यू टू ने, उसका हमने नाम रख दिया एफ वन टू, ऊपर क्या गया वेक्टर, एफ वन टू का मतलब क्या है, फोर्स एग्जर्टेड बाय चार्ज टू ऑन चार्ज वन, ठीक है स्टूडेंट, एफ वन टू आ गया ऑन बाय, सो किसने लगाई, चार्ज टू ने, किसके ऊपर, ऑन द चार्ज वन, क्यू टू ने लगाई क्यू वन के ऊपर। सो वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू ओवर आर क्यूब, अब आर क्यूब कैसे आ गया स्टूडेंट, ये क्या आपका पोजीशन वेक्टर, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू ओवर क्या था आर स्क्वायर। इसको वेक्टर बनाने के लिए हमने क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड क्या आ गया, क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, ये आपका वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। अब आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया, आर क्यूब, ये आर क्यूब पता चल गया स्टूडेंट कैसे आया। सो ऑन वेक्टर फॉर्म 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू ओवर आर क्यूब, साथ में क्या आ गया वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन क्या है, आर टू वन, ये है फोर्स एग्जर्टेड बाय चार्ज टू ऑन चार्ज वन, और ये डायरेक्शन क्या आई, आर टू वन ये वाली, क्योंकि डायरेक्शन कहां पे है फोर्स की, इस तरफ है आर टू वन, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या आ गया एफ टू वन, एफ टू वन क्या है, फोर्स एग्जर्टेड बाय चार्ज क्यू वन ऑन चार्ज क्यू टू, क्या आ गया एफ टू वन, साथ में क्या आ जाना है वेक्टर आर वन टू, ये किसकी डायरेक्शन है, वन टू टू, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। चार्ज वन टू, चार्ज क्यू वन टू क्यू टू, डायरेक्शन क्या आ गई आर वन टू, ठीक है स्टूडेंट।
जी आर वन टू आ गया, ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास एफ वन टू भी आ गया और एफ टू वन भी आ गया, ठीक है स्टूडेंट। डायरेक्शन पता चल गई आपको, ये आपकी डायरेक्शंस आ गई आर टू वन एंड आर वन टू। तो आर वन टू क्या है, माइनस ऑफ आर टू वन, दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। ये आपके क्या हैं, आर वन टू एंड आर टू वन, पोजिशन वैक्टर्स, डायरेक्शन ऑपोजिट करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस साइन। सो एफ टू वन क्या था, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू और आर क्यूब इंटू क्या था, आर वन टू। तो आर वन टू जगह में क्या पुट कर दिया, माइनस ऑफ आर टू वन। सो एफ टू वन क्या आ गया, माइनस ऑफ वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू और आर क्यूब इंटू आर टू वन। और ये क्या था, एफ एफ टू वन क्या आ गया स्टूडेंट, एफ वन टू था ये, तो एफ टू वन क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ वन टू। इसका मतलब ये जो डायरेक्शंस हैं फोर्सेस की, ये क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। और ये हमने कौन सा लॉ भी प्रूव कर दिया, न्यूटन थर्ड लॉ भी प्रूव कर दिया। कई बार ये भी आ जाता है कि प्रूव न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स। सो एफ टू वन क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ वन टू, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सो मैग्नीट्यूड क्या आ गया, एफ टू वन इज इक्वल टू एफ वन टू, और मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म हम कर चुके हैं, एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू वन। कह रहे वाई इज कूलम फोर्स ए सेंट्रल फोर्स, कूलम फोर कूलम फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेस ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, सो दैट्स वाई इट इज ए सेंट्रल फोर्स, ठीक है स्टूडेंट। एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कह रहे गिव द डिसिमिलरिटीज बिटवीन कूलम्स फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सो कूलम फोर्स है चार्जेस के बीच में, और ये क्या है, मासिस के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स। ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होती हैं, और ये ऑलवेज क्या होंगी, अट्रैक्टिव फोर्स। कह रहे कूलम फोर्स नॉट एक्टिव ओवर ए लार्ज डिस्टेंस, इसका मतलब कूलम फोर्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे एक्टिव नहीं रहती, ये फ्यू किलोमीटर तक ही एक्टिव थी, ठीक है स्टूडेंट, न्यूक्लियर रेडियस से अप टू फ्यू किलोमीटर्स। और ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो दैट इज एक्टिव वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। नाउ कूलम फोर्स इज अफेक्टेड बाय द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, लेकिन ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अनअफेक्टेड बाय द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो जो चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स थी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है स्टूडेंट। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज, कूलम्स फोर्स इज ट्रू ओनली फॉर, किसके लिए है, इनके आप कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक चार्जेस, ठीक है स्टूडेंट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज क्या था स्टूडेंट, क्या है, कूलम्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या आ जाना यहां पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या आ जाना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। द कंडीशन दैट शुड सेटिस्फाई द कूलम्स लॉ इज, इट इज ओनली ट्रू फॉर स्टैटिक चार्जेस, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस एंड कंसिडर टू बी द पॉइंट चार्जेस। जो हमने चार्ज करने, कंसिडर कौन से करने हैं, पॉइंट चार्ज। इट इज ट्रू फॉर मूविंग चार्जेस बोथ ए एंड बी, तो स्टूडेंट क्या आंसर है इसका, बोथ ए एंड बी, बिकॉज कूलम्स लॉ इज ट्रू फॉर स्टैटिक चार्जेस एंड इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट्स व्हाई इट इज ए सेंट्रल फोर्स, बिकॉज कूलम फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक।